दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता और कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा बड़ी तादाद में कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना हो सकता है कि अपने आप में कोई बड़ी खबर ना हो, लेकिन हैदराबाद में इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी की बड़ी रणनीति की तरफ इशारा करता है। राजनीतिक जानकार इसे भारतीय जनता पार्टी का मिशन दक्षिण मान रहे हैं और इस हवाले से ये डेवलपमेंट काफ़ी अहम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन लगभग 20 साल बाद हैदराबाद में किया जा रहा है। साल 2023 में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को यहां मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। जाहिर है, भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को न सिर्फ विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने का संकेत दे रही है, बल्कि जमीन पर उतर अपनी संभावनाओं का विस्तार करने का संदेश देना चाहती है। काबिले जिक्र है कि जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी, उसने इस राज्य में पार्टी के बढ़ते जनाधार को साबित कर दिया था। जाहिर है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में उपचुनाव भी हमने रिकॉर्ड जीता है और ये अपने आप में स्पष्ट संकेत पूरे तेलंगाना में गया है कि किस तरह से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है। कर्नाटक के बाद एक और दक्षिण भारत में राज्य जहाँ पर भाजपा सरकार बनाने की भविष्य में पूरी ऐसी स्थिति बनी है, ये हमारी ताकत बढ़ती हुई ताकत भी है। साफ है कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में मजबूत होती अपनी राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाना चाहती है और राज्य में चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार के सामने मजबूत चुनौती पेश करना चाहती है। चंद्रशेखर राव भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव को समझ रहे हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर एक मोर्चा बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन वह अपनी इन कोशिशों में कामयाब हो रहे हैं इस पे संदेह है। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत में एक और जमीन की तलाश में है, ताकि उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अपने पैर मजबूत कर सके।